अब बताइए इतने इतने ढेर लोग हैं और परमेश्वर जो है कितने गिदोन को कितने आदमियों के साथ भेज रहा है, सिर्फ 300 आदमियों के साथ। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम सीख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में और प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 4 पद के दूसरे भाग के विषय में, जहां 7 आत्माओं के बारे में लिखा है। पिछले संदेश में हमने देखा था, हमने सीखा था कि परमेश्वर का जो युक्ति का आत्मा है वो किस तरीके से काम करता है। युक्ति का आत्मा, जिसको इंग्लिश में काउंसिल या काउंसलिंग कहते हैं, यानी परामर्श देना, परमेश्वर किस तरीके से परामर्श की आत्मा से हमें परिपूर्ण करता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। परमेश्वर हमेशा अपनी सलाह की आत्मा से हमें परिपूर्ण करता है ताकि हम उस सलाह की आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जिए, उन कार्य को करें, किन लोगों से बोलना है, किन के साथ बैठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे पहनना है, कैसे चलना है, सारी चीजों की सलाह जो है वो परमेश्वर का आत्मा जो है, जिसको हम युक्ति का आत्मा भी कहते हैं, वो देता है हमें। और जो इससे परिपूर्ण होते हैं उनका जीवन बिल्कुल उसी जो युक्ति की आत्मा है, सलाह की आत्मा है, उसके अनुसार चलता हुआ दिखाई देता है। आज हम देखेंगे पराक्रम की आत्मा के विषय में। जी, पराक्रम की आत्मा, जिसको इंग्लिश में माइट या माइटी आप कह सकते हैं, यानी शक्ति या प्रभाव डालना। जी हाँ, परमेश्वर जो है, हम जब परमेश्वर के वचन को कहते पढ़ते हैं तो उसके अंदर परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन जो है हमें देखने को मिलता है। परमेश्वर किस तरीके से परामर्श की आत्मा के द्वारा कार्य करता है। एक बात बड़ी अच्छी लिखी हुई है, जरा आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, भजन संहिता 24 अध्याय उसके 8 पद में। जी हाँ, यहां पर मैं पढ़ना चाहूंगा, आप निकाल लीजिए भजन संहिता 24:8। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार कहता है कि वो प्रतापी राजा कौन है। प्रतापी यानी सामर्थी राजा, पराक्रमी राजा, शक्तिशाली राजा कौन है? और वो फिर बताता है कि वो पराक्रमी राजा, वो प्रतापी राजा जो है वो परमेश्वर है। और यहां पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी। अब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर स्वयं उतर कर युद्ध करता हो, परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है, परमेश्वर पराक्रम की उस शक्ति की आत्मा से परिपूर्ण करता है। और जब व्यक्ति परिपूर्ण होकर उस शक्ति की आत्मा से भर जाते हैं तो उनके अंदर फिर किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। फिर कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना खड़ी हो, कितना भी बड़े ताकतवर आदमी क्यों ना हो, कितने भी हाई क्वालिफाइड या हाई पोस्ट वाले आदमी भी क्यों ना हो, उनको डर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फिर डर की आत्मा नहीं, निडरता की आत्मा कार्य करती है। और यही निडरता की आत्मा जो है वो पराक्रम की आत्मा, जिसको कहा गया है। जैसे पिछले संदेशों में हमने सीखा था कि दाऊद जब गोलियत से लड़ने जाता है, जब आप 1 सामुएल 17 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां क्या कहता है, उसका 47 वर्स है, वहां कहता है कि संग्राम तो यहोवा का है। अब यहां पर भी जो बात लिखी हुई है भजन संहिता 24:8 में, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। जी हाँ, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है, यानी वहां पर दाऊद भी ये कहता है कि परमेश्वर संग्राम किसका है, यानी संग्राम का मतलब युद्ध किसका है, परमेश्वर का। अब परमेश्वर युद्ध कैसे करता है? आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपसे बात करूंगा, हो सकता है कि आपने सुना हो सकता है कि बहुतों ने नहीं सुना हो, या हो सकता है उसके बारे में बहुत कम जानते हो। उस व्यक्ति का नाम है गिदोन। जी हाँ, गिदोन। गिदोन के समय की जब हम बात करेंगे, आप न्यायियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय से जब आप गिदोन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छी बात लिखी हुई है उसके बारे में। परमेश्वर ने गिदोन को चुना और गिदोन को चुनकर उसको पराक्रम की आत्मा से परिपूर्ण करा। यहां पर गिदोन को चुनने का मतलब क्या था? जी हाँ, ध्यान देने की बात है, जो मिधानी लोग थे वहां लिखा है कि वो बहुत ज्यादा थे, संख्या में बहुत ज्यादा थे। मैं आपको पढ़ा देना चाहता हूं न्यायियों की पुस्तक और उसका 6 अध्याय जो है यहां पर लिखा हुआ है, और लिखा है 5वां पद मैं पढ़ना चाहूंगा जिससे आपको पता चल जाए कि मिधानी लोग कितने थे।
क्योंकि वे अपने पशु और डेरों के लिए वे चढ़ाई करते थे और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। ये मिदानी लोग थे, लिखा है कि ये टिड्डियों के समान थे। आपने देखा ना, टिड्डियों का दल जब आता है, अनगिनत टिड्डियां यानी अनगिनत लोग थे, उनकी कोई गिनती नहीं थी। और ये जो इसराइलियों को थे, इसराइली इनके डर के मारे ये गुफाओं में अपने बैल बकरियों को या अपने राशन वगैरह को या अपनी चीजों को छुपा दिया करते थे या कुछ छुप जाया करते थे, पहाड़ों की खो में छुप जाया करते थे। आप इसको पढ़े ना 6 अध्याय को, ये उनसे बहुत ज्यादा डर था। अब 7 वर्ष तक कम से कम वो इसी तरीके से करते रहे, तब इसराइलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी। जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं ना, तो परमेश्वर जो है इमीडिएटली जो है वो सुनने लगता है। इसराइलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी। अब इनको छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर, देखिए परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर जैसा चाहे वैसा काम कर सकता है। परमेश्वर चाहे तो उनको स्वर्ग से आग गिराकर वैसे ही सबको भस्म कर सकता है या वैसे ही नाश कर सकता है, परंतु परमेश्वर ऐसा करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है? वो दिखाना चाहता है, परमेश्वर ये जताना चाहता है, परमेश्वर ये लोगों को बताना चाहता है कि देखो जो व्यक्ति मेरी आत्मा से परिपूर्ण होते हैं उनमें क्या शक्ति होती है, क्या पावर होती है और वो किस तरीके का कार्य करते हैं। परमेश्वर की आत्मा जो है बहुत अद्भुत है। जब परमेश्वर अपनी आत्मा को भेज कर किसी मनुष्य के द्वारा अपने कार्य को सिद्ध कराता है, जब तक परमेश्वर की आत्मा से हम परिपूर्ण नहीं होते हैं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जितने भी लोग रहे हैं जिन्होंने परमेश्वर के प्रचार किया है, परमेश्वर की महिमा करी है, परमेश्वर के कार्य को सिद्ध करा है या उन्होंने लड़ाई करी है, वो सब परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण रहे हैं। और वो आत्मा अलग अलग गुणों से परिपूर्ण करता है लोगों को और वो अलग अलग कार्य जो है उनके जीवन में देखने को मिलते हैं या सिद्ध होते हैं। या गिदोन के जीवन में भी पराक्रम का आत्मा उतरा। अब परमेश्वर क्या कहता है गिदोन से, कहता है कि तू इसराइलियों को इकट्ठा कर और उनको ले जा और उनको जो है एक नदी के पास ले जा और जितने जो हैं चुल्लू से चपड़ चपड़ करके पानी पीते हैं तू उनको अलग करना। अब ध्यान दीजिएगा, चपड़ चपड़ करके जो है पानी पीते हैं। आप जब न्यायियों 6 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो, और उसके न्यायियों के 6 अध्याय को और 7 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो उसके गिदोन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं न्यायियों 6 का, इससे पहले कि मैं उन व्यक्तियों के बारे में बात करूं जो चपड़ चपड़ करके पानी पीते हैं, मैं गिदोन के बारे में एक बात करना चाहूंगा। यहां परमेश्वर का वचन कहता है न्यायियों 6:12 में लिखा है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। यहां परमेश्वर कहता है यहोवा जो है तेरे संग है। और 14 पद में कहता है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इसराइलियों को मिदानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। अब यहां पर देखिए क्या लिखा, शूरवीर क्या है, शूरवीर जो है शूरवीर है, वो शूरमा है, वो शक्तिशाली है, ताकतवर है, मगर वो जो है इसराइलियों के साथ छुपकर भी वो अपने खेत खलियान का अनाज जो है छुपकर उनको बचाकर रखता है, वो उनसे उनके सामने भी नहीं आता। देखिए एक शूरवीर अगर आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर जो टिड्डियों के समान फैले हुए हैं आप उनका सामना नहीं कर सकते हैं। जो टिड्डियों के समान आकर अटैक कर रहे हैं इतने लोगों को, आप बिना जो है अपनी ताकत से, आप अपनी ताकत के द्वारा उनका सामना नहीं कर सकते हैं। आप किसकी ताकत के द्वारा कर सकते हैं? आप परमेश्वर की ताकत के द्वारा कर सकते हैं। जी हाँ, जब गिदोन के ऊपर परमेश्वर का पराक्रम का आत्मा उतरा, शक्ति का आत्मा उतरा, तब परमेश्वर ने कहा कि तू कितने इसराइली हैं, इतने लोग, वो बहुत ज्यादा इसराइलियों के साथ लेकर उन पे अटैक नहीं करना चाहता था। उसने देखा कि उसने कहा जो चुल्लू से चपड़ चपड़ करके पानी पीते हैं उनको अलग कर, और उनकी संख्या कितनी थी, उनकी संख्या जो थी 300 थी। अब देखिए अनगिनत इसराइली हैं और इनके साथ में आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पराक्रम का आत्मा जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। यहां लिखा है न्यायियों 7 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, मिधानी और अमलेकी और सब पूर्वी लोग जो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे और उनके ऊंट समुद्र तट की बालों के किनकों के समान थे, गिनती से बाहर थे। देखिए कितने प्रकार के लोग हो गए आप, अब सिर्फ मिधानी अकेले नहीं है,
मिधानी तो बहुत है, लिखा अमलेकी और सब पूर्वी लोग जो पूरब की लोग रहने वाले थे वो सब, और लिखा है वो गिनती से भी बाहर थे, यानी उनकी गिनती नहीं हो सकती थी। अब बताइए इतने इतने ढेर लोग हैं और परमेश्वर जो है कितने गिदोन को कितने आदमियों के साथ भेज रहा है, सिर्फ 300 आदमियों के साथ। बड़ी अद्भुत बात है, क्या कहते हैं 300 आदमी के साथ भेज रहा है और गिदोन भी तैयार है। गिदोन जानता है वो कितने लोग हैं, गिदोन जानता है कि उनकी पावर क्या है, गिदोन जानता है कि उनको गिना नहीं जा सकता, मगर वो तैयार हो गया। परमेश्वर ने उसे भेजा, वो लड़ने को तैयार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर ने पराक्रम की आत्मा को भेज दिया था, पराक्रम की आत्मा को डाल दिया था, इसलिए गिदोन जो है 300 आदमियों को लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गया। नहीं साहब, मैं तो जाऊंगा। और परमेश्वर उसको एक बात बताता है कि तू चुपके से उनकी छावनी में जा, मिधानियों की छावनी में जा और सुन कैसा तेरा डर उनके अंदर समाया हुआ है, तेरी शक्ति जो तेरे अंदर आ गई है, उस पराक्रम की आत्मा का डर कैसे समाया हुआ है। जी हाँ, जब आप देखेंगे ना परमेश्वर का वचन, मैं पढ़ना चाहूंगा न्यायियों 7 अध्याय। परमेश्वर का वचन बताता है कि यहां पर जो है वो सपना देख रहे हैं। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वयं सपना यूं कह रहा था, सुन मैंने एक सपने में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिधान की छावनी में आई है और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वे गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि वे डेरा गिर पड़ा। फिर लिखा है 14वें पद में, इसके संगी ने उत्तर दिया, ये योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इज़राइली पुरुष की तलवार को छोड़ और कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिधान को सारी छावनी समेत कर दिया है। वाह, पराक्रम की आत्मा से 300 लोगों को लेकर जा रहा है, 300 लोगों जो है 300 लोगों को लेकर वो गया है। और वहां क्या बात कर रहे हैं, उसने एक सपना देखा। किसने? मिधानी के, एक मिधानी के दो लोग बात कर रहे हैं, यार मैंने सपना देखा है, जौ की एक रोटी जो है वो लुढ़कते लुढ़कते मिधानी की छावनी में से टकरा गई है। उसने कहा योआश के पुत्र जो है गिदोन को की तलवार को छोड़ और वो कुछ नहीं है। जी हाँ, जौ की रोटी किसको दर्शा रही है? गिदोन की तलवार को दर्शा रही है। वो गिदोन की तलवार देख रहे हैं कि परमेश्वर ने गिदोन के हाथ में सारे मिधानियों को, सारे अमलेकियों को और सारे पूर्वियों को जो गिनती से बाहर थे, गिने नहीं जाते थे, उनको उसके हाथ में कर दिया। अमेजिंग, ये परमेश्वर का आत्मा है, ये परमेश्वर के पराक्रम का आत्मा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर के पराक्रम के आत्मा से हम भर जाते हैं तो हम निडर हो जाते हैं, और यदि हमारे जीवन में डर समाया हुआ है तो इसका मतलब परमेश्वर की पराक्रम की आत्मा हमारे आसपास भी नहीं है, बहुत दूर है। तो यहां परमेश्वर का वचन जो कहता है, आपने देखा कि पराक्रम का आत्मा जो है किस तरीके से काम करता है। अब अय्यूब 12 अध्याय उसके 13वें पद में लिखा है, परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। यहां ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर में जो है पूरी बुद्धि और पराक्रम उसी में पाए जाते हैं। पराक्रम यानी वो पराक्रम की आत्मा है परमेश्वर हमारा, और परमेश्वर जब हमारे अंदर अपनी पराक्रम के साथ आता है तो हम जो है निडर हो जाते हैं। और एक बात और लिखिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 1:6 में लिखा हुआ है, और हमें एक राज और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसकी महिमा और पराक्रम युगान युग रहें। देखिए यहां लिखा है कि परमेश्वर की जो महिमा और पराक्रम है वो कब तक के लिए है? वो ये नहीं है कि थोड़ी देर के लिए, युगान युग तक के लिए है। आज आप हैं पृथ्वी के ऊपर, पराक्रम की आत्मा से भरे हैं, कल आपका कोई और होगा प्रियजन परमेश्वर का, वो पराक्रम की आत्मा से होगा। जब तक ये पृथ्वी है और उसके बाद जब नई पृथ्वी नए आकाश होगा तो उसमें भी परमेश्वर का पराक्रम की आत्मा से परिपूर्ण, क्योंकि युगान युग तक लिखा है रहेगा। मेरे अजीज, आप एक बात बताइए, आप अक्सर एक प्रार्थना जो है वह हमेशा करते हैं, वो कौन सी प्रार्थना करते हैं? ऐ हमारे बाप की दुआ हमेशा करते हैं, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये हम लोग सब करते हैं। आप जानते हैं मत्ती 6 अध्याय उसके 13वें पद में क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा है,
और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। यानी पराक्रम सदा तेरे हैं। हम हमेशा चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं हे हमारे पिता की, और कह रहे हैं पराक्रम सदा तेरे। जब पराक्रम की आत्मा परमेश्वर की है और सदा उसकी है, तो हम उससे जब इस बात को प्रार्थना के द्वारा मांग रहे हैं तो हमें क्यों नहीं मिलती है, फिर हम क्यों डर जाते हैं? ये बहुत सोचने का विषय है। और एक और महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर करता क्या है अपनी पराक्रम के आत्मा के द्वारा। निर्गमन 14 का 31 पद जरा ध्यान दीजिएगा, निर्गमन 14 का 31। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इज़राइलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर विश्वास किया। देखिए, यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इज़राइली जो थे ना विश्वास नहीं कर रहे थे, दुहाई तो दे रहे थे, दुहाई दे रहे थे और बात बात पे थोड़ा सा बुड़बुड़ा जाते थे, कुड़कुड़ा जाते थे, मगर वहां लिखा है कि जब परमेश्वर ने अपना पराक्रम मिस्रियों पर दिखाया तब उन्होंने जो है मूसा पर भी विश्वास किया और परमेश्वर पर भी विश्वास किया। जी हाँ, वहां बिल्कुल साफ लिखा हुआ है निर्गमन 14 के 31 में। अब परमेश्वर ने पराक्रम क्या दिखलवाया, देखिए ध्यान दीजिएगा पराक्रम क्या है। आप जब 7 अध्याय से पढ़ेंगे ना कि मिस्रियों पर जो थी 10 विपत्तियां उसने डाली, और वो 10 विपत्तियां जो थी परमेश्वर की पराक्रम यानी शक्ति का प्रदर्शन था। जब परमेश्वर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन मिस्रियों पर किया तब सिर्फ इसराइलियों ने विश्वास नहीं किया, इज़राइली भयभीत नहीं हुए, बल्कि आसपास के राजा और उसकी चर्चा दूर तक, जब इस बात की चर्चा हुई तो सब भयभीत हो गए। और जब परमेश्वर इज़राइलियों को निकालकर उनके देश से जा रहा था तो बहुतों ने तो चुपचाप कहा कि भैया इन्हें जाने दो, और बहुतों ने डर के मारे उन्हें नहीं कहा कि साहब आप हमारे देश से मत जाइए, आप कहीं और से निकल कर चले जाइए। इतना डर गए, इतना भयभीत हो गए परमेश्वर के उस पराक्रम की आत्मा का प्रदर्शन देखकर, उसकी शक्ति का प्रदर्शन देखकर। आखिर था क्या, देखिए मैं आपको पूरा पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, मगर मैं जब आप 7 अध्याय पढ़ेंगे, निर्गमन 7 अध्याय का 14 से 25 तक, वहां लिखा हुआ है कि जल का लहू बनना। जी हाँ, नील नदी क्या थी, नील नदी जो है मिस्र के लिए वरदान है, और नील नदी जो है मिस्र के लिए वरदान है वो लहू बन गई। अब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी इस पर मार, और जब वो मारी तो वो पूरा लहू बन गया, और जब लहू बन गए जल के सारे सोते लहू बन गए, सारी मछलियां मर गई, सब मर गए, तो बहुत परेशान हो गया, अपना प्रदर्शन दिखाया, अरे पूरा जल लहू बन गया, कैसे बन गया? ये परमेश्वर की पराक्रम, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा हुआ। और फिर फिरौन ने मूसा को बुलाया कि भाई हम तुझे जाने देंगे, इस पानी को तो ठीक कर दे। फिर परमेश्वर ने उसके द्वारा उस पानी को बिल्कुल ठीक कर दिया, वो जल वैसे ही का वैसे ही हो गया, मगर वो उसका मन जो था फिर भी नहीं बदला फिरौन का। और जब निर्गमन 8 का 1 से 15 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है मेंढकों का आक्रमण हुआ, तब सारे मिस्र के ऊपर मेंढकों का। देखिए, जो भी प्रॉब्लम आती थी वो सिर्फ मिस्रियों पर आती थी, इसराइलियों पर नहीं आती थी। इसराइली बिल्कुल सुरक्षित होते थे, चाहे पानी की हो उनके घर में अच्छा पानी होता था। अब जब मेंढक आए सारे मिस्र के ऊपर, जी हाँ, राजभवन में हो गए, किचन में चले गए, बाथरूम में चले गए, बेड के ऊपर चढ़ गए, इतने मेंढक हो गए सारे इसराइलियों के घरों में, और इसराइली के राजा और उनके कर्मचारियों के घरों में मेंढक ही मेंढक, मेंढक ही मेंढक भर गए। जहां देख रहे हो मेंढक कूद रहा है, राजा कुर्सी पर नहीं बैठ पा रहा, उसकी कुर्सी पर मेंढक भरे पड़े हैं, किचन में खाना जो है नहीं बन पा रहा है क्योंकि वहां मेंढकों से भरा हुआ है। अब वो इतना दुखी हो गया, फिर उसने मूसा को बुलाया। अब देखिए, परमेश्वर अपनी शक्ति का, अपना पराक्रम की आत्मा का प्रदर्शन कर रहा है, है? मगर फिर बुलाया, फिर सारे मेंढक को क्या कहते हैं, मूसा ने एक तरफ, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको हटाया, मगर फिर भी उसका मन जो है वो बदला नहीं। फिर निर्गमन 8 का 20 से 32 में लिखा हुआ है डांसों के झुंड जो थे वो आ गए। डांसों मतलब एक प्रकार है, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि पूरे मिस्र के ऊपर पूरे झुंड के झुंड आ गए, एक प्रकार के मच्छर कह लीजिए या एक प्रकार के कीड़े कह लीजिए, पूरे झुंड के झुंड पूरे मिस्रियों पर आ गए, उनके पशुओं को काटने लगे, उनको काटने लगे, वो बेचैन होने लगे। देखिए, परमेश्वर अपनी पराक्रम की आत्मा का प्रदर्शन कर रहा है, शक्ति का। जब परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है तो कोई उसके आगे टिक नहीं सकता है।
फिर वो अच्छे से वो करता है, मगर यहाँ फिरौन जो है फिर जो है फिर कहता है अरे भाई तू यहोवा से प्रार्थना कर कि ये सब चले जाए, फिर मूसा प्रार्थना करता है, फिर वो सब चीज़ें चली जाती हैं मगर वो उसका मन नहीं बदलता है। फिर लिखा है जब निर्गमन 9:1-7 पढ़ेंगे, पशुओं की मौत जो है, पशुओं के जितने भी पशु होते हैं उनकी मौत होने लगती है, सब मौत होने लगती है और सब विचलित, उसके जो घरेलू पशु हैं, दूध देने वाले पशु हैं, जो उसके पालतू पशु हैं, वो सब मरने लगते हैं क्योंकि उनसे जो है सारे काम, बहुत से खेत खलियान के काम होते थे और वो सब मर रहे हैं। तो वो परेशान हो गया। फिर जब वो परेशान हो गया फिर उसने मूसा से कहा, फिर मूसा ने प्रार्थना करी और फिर वो सारी चीज़ें जो थी वो चली गई। फिर लिखा है निर्गमन 9:8-12 पढ़ेंगे, फपोलो और फोड़ो का निकलना। अब परमेश्वर ने ऐसा अपना प्रदर्शन किया पराक्रम की आत्मा से कि सारे मिस्रियों पर क्या होने लगे, फोड़े निकलने लगे, फपोले निकलने लगे और वो फोड़ों से दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए और फिर उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर की प्रजा को जाने देंगे, तो यहोवा से प्रार्थना करके हमें ठीक कर दे। पर मूसा ने फिर प्रार्थना करी और वो ठीक हो गए, परंतु वो नहीं गए। फिर लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन बताता है निर्गमन 9:13-35 पढ़ेंगे, तो वहां लिखा कि ओलों की वर्षा हुई। जी हाँ, बहुत से ओलों की वर्षा हुई और बड़े बड़े ओले गिरे, आग मिले हुए, खून से सने हुए ओले, और वो छोटे मोटे नहीं, इतने बड़े ओले थे कि घर के घर ढह गए, खेत खलियान नष्ट हो गए और वो फिर परेशान होने लगा और जगह जगह आग लगने लगी। देखिए ओले भी गिर रहे हैं बर्फ के अंदर, ये परमेश्वर की पराक्रम का प्रदर्शन है, परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन है कि बर्फ के अंदर आग मिलाकर फेंक रहा है और वो सारी चीजें जो हैं प्रॉब्लम में फंस गए। फिर वो कहते हैं कि तू इनको बचा हमें, और वो फिर उन्हें बचाता है, फिर उन्हें निकालता है और मगर उसके बावजूद भी फिरौन का जो है वो मन नहीं बदलता है। फिर लिखा हुआ है जब आप निर्गमन 10:1-20 पढ़ेंगे, वहां लिखा है टिड्डियों का आक्रमण होता है, सारी टिड्डियां, इतनी टिड्डियां जो टिड्डियों का दल आता है वो सारी फसल को चट कर जाता है, सारी हरियाली को चट कर जाता है, अब सब सारी फसल जो खड़ी हुई है वो नष्ट हो गई, वो परेशान हो गए, वो सब कुछ है। मगर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप योएल अध्याय उसका 1:1 योएल की पुस्तक का और 1:12 तक पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है टिड्डियों के बारे में, लिखा कि 4 प्रकार की टिड्डियां जो हैं वो आएंगी। जी हाँ, मैं 4 प्रकार की टिड्डियों का यहाँ नाम बता देना चाहता हूँ आपको। पहली गजानाम टिड्डी, दूसरी है अरबे नाम टिड्डी, तीसरी है येलेक टिड्डी और चौथी है हासिल नाम टिड्डी। ये टिड्डियां जो हैं ये जब आएंगी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सारी चीजें जो है मनुष्यों पर अटैक करेंगी। जब आप प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा है कि अथाह कुंड खोला गया और उसमें से टिड्डियां निकली। इनके बारे में मैं जब 9 अध्याय में आऊंगा प्रकाशित वाक्य के तब बताऊंगा, मगर ये टिड्डियां का आक्रमण जो है मिस्र के समान फिर से होने जा रहा है मनुष्यों के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर कहता है परंतु फिरौन ने मन नहीं बदला, फिरौन ने मन नहीं बदला और वो फिर मूसा से कहने लगा कि तू यहोवा से प्रार्थना करी कि ये टिड्डियां चली जाए। मूसा ने फिर प्रार्थना करी और फिर उसके बाद क्या था, फिरौन का मन जो है नहीं बदला, उसने इसराइलियों को जाने नहीं दिया। अब कि परमेश्वर ने क्या करा, उसको अल्टीमेटम दिया परमेश्वर ने, और सबसे पहले उसने क्या करा, निर्गमन 10:21-29 पढ़ेंगे, सारे मिस्र के ऊपर इतना घोर अंधेरा हो गया, इतना घोर अंधेरा, मगर परमेश्वर का वचन बताता है कि इसराइलियों के घर में क्या था, वो उजाला था इसराइलियों के घर में, और इतना घोर अंधकार था कि कोई अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। 3 दिन तक वो अंधकार में डूबे रहे। फिर उसने मूसा को बुलाया और फिर मूसा से कहा कि तू ये अंधकार को दूर कर और मैं इनको जाने दूंगा, मगर उसके बावजूद भी नहीं जाने दिया। देखिए यहां पर क्या है, यहां 9 प्रदर्शन हो चुके हैं परमेश्वर की पराक्रम की, परमेश्वर की शक्ति का, मगर ये नहीं जाने दे रहे। उसके बाद क्या होता है, 10वां जो परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, पहले वो अल्टीमेटम देता है कि जितने भी पहलौटे हैं, जितने भी पहलौटे हैं सबको वो जो है मार डालेगा, और मिस्र के गाय बैल भेड़ बकरी जितने भी उनके पहलौटे हैं और मनुष्यों के भी उनके बच्चों में जो पहलौटा है सबको मार देगा। और जब परमेश्वर ने उन पहलौटों को आधी रात में लिखा है ना, जब आप इस संदेश को सुनेंगे ना कि मिस्र की आधी रात,
जी हाँ, मिस्र की आधी रात में जब परमेश्वर का दूत तलवार लेकर निकला तो उसने सारे इस मिस्री के पहलौटों को मार डाला, चाहे वो पशु के हों, चाहे वो मनुष्य के हों, किसी के भी हों। मगर उससे पहले परमेश्वर ने इसराइलियों को एक अल्टीमेटम दे दिया था कि तुम अपने 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 परिवार के लिए एक एक मेमना जीवा करो और उस मेमने को अपने घरों की आलंगों पर और चौखटों पर लगा लो, और दूध जो है वो उस खून को देखकर जो है वो चला जाएगा, वो तुम्हें नाश नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस दुनिया में इसलिए भेजा, इसलिए उसका लहू बहाया गया, ताकि हम जो परमेश्वर का घर हैं, हम जो परमेश्वर का मंदिर हैं। परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3:16-17 में, जब आप पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 6:19 में पढ़ेंगे कि हम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, और इस हम जब परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है यानी घर है, तो हमारी ये जो अलंग है, हमारा माथा, इस पे प्रभु यीशु मसीह का लहू होना चाहिए। हमारी ये जो अलंग है, इस पे प्रभु यीशु मसीह का लहू होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जब आने वाला है, और वो शीघ्र आने वाला है, जब अपने लहू को हमारे अंदर देखेगा, इस घर के अंदर लगा हुआ देखेगा, तो वो उसको छोड़ देगा। मगर इस लहू की पवित्रता को बनाए रखना है, इसकी पवित्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो मिस्र की वो काली रात जो है फिर से आने वाली है, और मिस्र की वो जब काली रात फिर से आने वाली है, तो सोचिए नाश जो है आपकी पहलौटों का नहीं होगा, बल्कि हर एक मनुष्य जाति का होगा जिसके माथे पर मेमने के लहू नहीं लगा होगा, जिसके माथे पर, जिसके अंगों पर मेमने का लहू नहीं होगा, जो जिसने मेमने के लहू से अपने आप को धोकर शुद्ध और पवित्र नहीं किया होगा, वो सारे विनाश में पड़ेंगे। और लास्ट में एक पद पढ़ाना चाहूंगा, परमेश्वर कहता क्या है, जब आप पढ़ेंगे इज़ेकेल 18 उसका 23 और 32 पद, ध्यान दीजिएगा, पहले 23 पढ़ रहा हूं। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वे अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? 32 पद, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर क्या कहता है, वो किसी की मृत्यु से परेशान, वो प्रसन्न नहीं होता, खुश नहीं होता है। मृत्यु का मतलब क्या होता है? मृत्यु का मतलब मर जाना नहीं होता, मृत्यु का मतलब होता है अलग हो जाना, जुदा हो जाना। यानी अगर हम पाप में मरते हैं तो हम परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, और परमेश्वर यही नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य उससे अलग हो। परमेश्वर यही चाहता है कि सब जो हैं उसके नजदीक रहें और उसकी उपस्थिति में रहें, उसके राज में रहें। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये तो मिस्र में जो परमेश्वर ने अपना पराक्रम दिखाया, परमेश्वर फिर से अपना वही पराक्रम दिखाने जा रहा है, और वो पराक्रम मिस्र से भी ज्यादा भयंकर पराक्रम, परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन होगा और होने जा रहा है। आप देखिएगा, देखते रहिएगा। उनको डरने की आवश्यकता नहीं है जो परमेश्वर के लहू से धुले हुए हैं, जो पराक्रम की आत्मा से भरे हुए हैं, वो निडरता की आत्मा से भरे हुए हैं। परंतु जो निडरता की आत्मा से भरे नहीं है, पराक्रम की आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, उनके अंदर जो है, जब परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा, अपनी पराक्रम की आत्मा का प्रदर्शन करेगा, तो भयभीत हो जाएगा इंसान, मौत मांगेगा परंतु मौत नहीं मिलेगी। इसलिए पश्चाताप करें, अपने जीवन को बचाएं, ताकि परमेश्वर के राज के वारिस हों। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।